हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। आई एम लोकेंद्र सिंह पवार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिक्स लेक्चर ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड दैट इज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लेक्चर नंबर सिक्स से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि हमने एरियाज रिलेटेड टू जो सर्कल हमारा चैप्टर था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है और आपको पता है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास सिक्स टू एट्थ के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनसीजीएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये सारे फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है जो भी क्वायरीज है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहिए। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ ही थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे क्लास सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास सिक्स का आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb06, क्लास सेवन t.me/ctb07, क्लास एट t.me/ctb08, क्लास नाइन t.me/ctb010। तो आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास टेंथ में है तो क्लास टेंथ का ग्रुप कोड t.me/ctb010 फटाफट से एंटर करोगे और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो बेटा इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास टेंथ में है तो क्लास टेंथ का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना होगा इसे परचेस करने के लिए, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा इसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस, इतनी सारी चीजें। तो आपको क्या करना है बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ बेटा यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LSLive, मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LSLive कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LSLive कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त धमाकेदार आपके लिए यहाँ पर पैकेज के साथ में डिस्काउंट मिल रहा है आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में। लाइव क्लासेज, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिल रही है। तो फटाक से आपको क्या करना है यहाँ पर बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 9549041111, फटाक से आपको क्या करना है इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया
और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ही से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से आपको अपना पेन कॉपी निकालना है और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करना है मेरे साथ। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 6 आपके सामने है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। देखो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर। ओके, जिसमें हमने पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, ठीक है, सर्कल क्या होता है, किस तरह से हम सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम आगे की बात करते हैं तो फिर हमने इससे आगे यहाँ पर सेक्टर ऑफ जो इसका सेक्टर होता है, हम कह सकते हैं कि सर्कल का जो सेक्टर रहता है उसका एरिया क्या होगा, सेक्टर का जो सॉरी सर्कल का जो सेगमेंट होता है उसका एरिया क्या होगा, साथ ही साथ अगर हमें प्लेन कॉम्बिनेशन फिगर्स मिलते हैं तो उनका हम एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हो। तो मेनली हमें देखो, एक तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो होता है 2πr। साथ ही साथ एरियाज ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr2। एरियाज ऑफ ए सेक्टर क्या होगा, एरियाज ऑफ ए सेगमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आपको पता है ना तो आप सारे क्वेश्चंस काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सेक्टर और सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैंने एक आपको जो डिफरेंस बताया था वो ये बताया था कि जब हम सर्कल के सेंटर से आर्क कट करते हैं तो हमें वो जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे आर्क के, अगर हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, किससे उन्हें ज्वाइन कर देते हैं हम सर्कल के सेंटर से, तो वो सेक्टर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। लेकिन अगर हम उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हम वहां पर एक कोण ड्रॉ कर देते हैं तो वो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मेनली हम क्या कह सकते हैं कि सेक्टर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं और सेगमेंट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर माइनर सेगमेंट का जो एरिया रहेगा उसे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो फाइनली आपको मेजर सेक्टर का मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये पूरे प्रोसेस आपको काफी अच्छे से इजीली समझ में आई है, आई होप पूरी पूरी मैं आपसे इसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से आप लिंक पर जाइए और उन सारे जो भी वीडियोज हैं उन्हें एक बार देख लीजिए, ताकि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना काफी इजीली और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ये आपके सामने सारी चीजें। ओके, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। चले आगे, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंतजार कर रहा है। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको पहले ध्यान से रीड करना है, फिर हमें अपना आंसर देना। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब कि सर्कल के जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया क्या होगा जब सर्कमफेरेंस आपके पास 22 सेंटीमीटर है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक एक्सरसाइज में भी करवाया हुआ है, आपने अगर ध्यान से सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को, समझा है तो बहुत ही इजीली एज इट इज यही क्वेश्चन था, मैं तो यही कहूंगा आपसे, आपने काफी इजीली और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझा था कि जब हमारे पास सर्कल की सर्कमफेरेंस है, जब हमारे पास सर्कल की सर्कमफेरेंस है और हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, फटाफट से बताओ बेटा। 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, टाइमर आपके सामने है, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से फटाफट से बता दो बेटा कौन सा आपका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी में से, जल्दी से। देखो हमें यहां पर सर्कमफेरेंस गिवन है, मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको, ठीक है, सर्कमफेरेंस गिवन है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस क्या होती है बेटा 2πr, यही फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो 2πr इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना सर्कमफेरेंस है 22, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मेनली इसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सर्कल के एरिया की नीड होगी और उस सर्कल के एरिया में हमें रेडियस की नीड है, तो वो रेडियस हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलती है।
ओके तो फाइनली 2 इंटू ये हो जाएगा 22 बाई 7, पाई की वैल्यू आपको पता है r इक्वल 22, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ से देखो, r इक्वल ये 22 अपॉन में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मतलब कि 22 इंटू 7 अपॉन ये 2 इंटू 22 अपॉन में आ गया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया फाइनली। तो हमें r कितना मिला, यहाँ से r इक्वल मिलता है हमें 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बेटा आपके पास, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, मतलब कि 1/4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर अभी आपने फाइंड किया 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, ओके क्लियर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 77/8। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 9 ज़ा 72, ठीक है, 72 9 ज़ा 72, 5 बज गया, तो 8 6 ज़ा 48, ठीक है, 2 बज गया, कितना बचा बेटा 2, तो 20 हो गया, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 8 2 ज़ा 16 कितना हो गया, 4 बज गया, ठीक है, ओके तो 4 बज गया, तो 8 5 ज़ा 40, मतलब कि 9.625 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर जो स्क्वायर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ये जो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना था, हमें कहा था कि क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कीजिए, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया वो कितना होता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में रह जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। फटाफट से बोलो समझ में आया या नहीं आया बेटा, पूरा आया ना, जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे आपको, बस बिल्कुल ध्यान से समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक कॉपर वायर है हमारे पास और उसका जो फॉर्म है अगर हम उसे बेंड कर देते हैं तो उससे क्या बनाते हैं हम एक स्क्वायर, इनक्लोज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि उस कॉपर वायर से जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, और इसी तरह से सेम वायर को हम बेंड करके क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, क्लियर, तो द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, तो हमें ये बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, ओके। देखो मैं आपको वापस बताता हूं, यहां पर हमें क्या करना है, एक हमारे पास कॉपर वायर है, क्या बेटा कॉपर वायर, इसको क्या करते हैं हम बैंड करते हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, बैंड करते हैं और इससे क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है, क्या बनता है बेटा, एक स्क्वायर बनता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस स्क्वायर का जो एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं समझ में आ गया यहां तक। चलो अब यहां पर आपको बोला गया है कि इसी तरह से आपके पास एक कॉपर वायर है, क्या है बेटा वापस, एक कॉपर वायर है और इसको आप बैंड करते हो, क्या करते हो बैंड करते हो, तो आपको यहां पर स्क्वायर की जगह पर क्या मिलता है, एक सर्कल बना हुआ मिलता है, तो आपको इस सर्कल की रेडियस फाइंड करना है, क्या करना है बेटा यहां पर आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, ओके। तो अब फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ, 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्या रहने वाला है हमारे पास यहां पर रेडियस। देखो रेडियस फाइंड कहां से होगी, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये हिंट में दे रहा हूं, सॉल्व आप करके बताओ। देखो हमें पता है कि जब हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें साइड स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 484, साइड का स्क्वायर जो रहेगा वो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो फाइनली यहाँ से हमें एक साइड मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस साइड की हेल्प से हम पूरे का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, तो सर्कमफेरेंस जैसे ही हम फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सर्कल का एरिया फाइंड नहीं करना है, सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। तो अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की हेल्प से रेडियस फाइंड करते हैं तो वही रेडियस तो इसकी भी मिलने वाली है ना, तो यही हमें सॉल्व करना है यहाँ पर।
फटाफट से बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है ABCD में से, चारों में से, जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं करना है, जितना सा बोला जाए सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दो, मस्त रहो, फटाफट। ऑप्शन ABCD चारों ही आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर क्या है आपको ये देखना है। अगर एक बार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना ठीक से, तो गारंटी है आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आओ सीखो। चलो अब देखो, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना वो होता है साइड इनटू साइड, ठीक है, या हम चाहें तो इसे साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो इसे ए की फॉर्म में लिख सकते हो, जिस भी फॉर्म में लिखना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए मेन भी क्या होगा यहाँ पर, साइड, तो मैं ए की फॉर्म में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसे ए स्क्वायर इंटू 484 लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ से ए स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा बेटा रूट, तो 484 हो गया ये, क्लियर। यहाँ से 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो फाइनली ए मतलब कि हमें साइड जो मिलती है वो कितनी मिलती है बेटा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्कल की रेडियस फाइंड करना है, मतलब कि कहा गया है कि इसी कॉपर वायर से अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर का एरिया इतना है, और इसी कॉपर वायर को हम जब बैंड करके सर्कल बनाते हैं तो सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये 4 इंटू ए, क्लियर, तो 4 इंटू 22 मतलब कि 88 सेंटीमीटर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली आपको पेरीमीटर कितना मिलता है, 88 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको पेरीमीटर फाइंड हो गया, अब क्या करोगे आप, सर्कमफेरेंस की हेल्प से फाइंड कर सकते हो ना, तो आपको पता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr, ओके, क्लियर, तो ये भी आपके पास सर्कमफेरेंस ही है, तो फाइनली आप क्या कहोगे, 2πr इक्वल 88, यहां से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल 88, क्लियर। अब यहां से देखो आपको r फाइंड करना है, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये 2 और 22 आ जाएगा नीचे, तो फाइनली 88 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, ये कट हो गया 4 टाइम, ये कट हो गया 2 टाइम, फाइनली 14 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल की जो रेडियस फाइंड होगी वो कितनी होती है बेटा, 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, सब कुछ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, फटाक से बोलो, ओके, कर लोगे ना, फटाफट नोट कर लो। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़े से आपको अपने एफर्ट्स लगाने, अगर आपने अपने एफर्ट्स लगाना सीख लिया ना तो हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, टू सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस का रेशियो है वो है 2/3, क्या है बेटा, 2:3 या 2/3, ओके, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी, तो इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो क्या मिलने वाला है आपको ये बताना है, फटाक से सुनो, दोनों सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है इनका रेशियो 2:3 है, तो इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो क्या मिलने वाला है आपको ये चीज फाइंड करना है यहाँ से। अब बताओ मुझे ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हाँ या ना, फटाक से बोलो, जल्दी से, कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से, ओरली सॉल्व हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि टू सर्कल दिए हैं तो टू सर्कल के सर्कमफेरेंस का रेशियो 2:3 है, तो हमें उन दोनों का एरिया फाइंड करना है। चलो 30 सेकंड्स का टाइम हो गया है,
हम सॉल्व करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल 2π r1, क्या लेते हैं बेटा 2π r1। इसी तरह से सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इसको लेते हैं 2π r2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, क्लियर है, सबको समझ में आया। चलो अब यहां से देखो, आपको जो रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, रेशियो ऑफ टू सर्कल्स सरकमफेरेंस इक्वल क्या दिया है हमें, 2:3। तो फाइनली फर्स्ट सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है, 2π r1। सेकंड सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है, 2π r2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाक से बोलो। नहीं, कितना दिया हुआ है ये हमें, 2/3। ये देखो 2π से 2π कैंसिल, फाइनली r1/r2 इक्वल 2/3। हमें क्या करना है, रेडियस का मतलब कि इनके दोनों के एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो इसी तरह से एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा बेटा, फटाफट से बताओ, पाई आर स्क्वायर लिखते हो तो आर वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सर्कल की रेडियस है। इसी तरह से एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां पर आपके पास रेडियस ऑलरेडी है सही, तो फाइनली ये क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू स्क्वायर, ओके। तो यहां से आर वन और आर टू की वैल्यू क्या है, 2/3, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4/9। तो आपका आंसर जो होगा 4:9 होगा। 4:9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर है हमारा 4:9, ओके। इस तरह से हम दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब फटाफट से आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड दैट एन एंगल 30° एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2-4 cm, मतलब कि आपको यहां पर लेंथ ऑफ आर्क बताना है। क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक सर्कल है, उसकी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कीजिए जबकि वो 30° का एंगल बना रहा है, और सेंटर से सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 cm है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जब आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो तो क्या करोगे, फटाफट से बताओ, एल इक्वल थीटा अपॉन 360 × 2πr, यही करोगे, हाँ या ना भाई? मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 × 2πr, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसे, थीटा अपॉन 180 × πr। 180 क्यों आता है, क्योंकि 2 से 360 कट हो जाता है 180 टाइम्स, इसलिए। क्लियर है ना यहां तक सारी चीजें। अब देखो आपके पास यहां पर फॉर्मूला भी है, अब आपके पास यहां पर थीटा की वैल्यू भी है, आपके पास यहां पर रेडियस भी है, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, 30 सेकंड से ज्यादा का मैं आपको टाइम देने वाला नहीं हूं, यहां पर जल्दी से सॉल्व करके बता दो बेटा क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको सिर्फ इतना सा बताना है मुझे, और कुछ नहीं बताना है। फटाफट से बोलो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए आएगा आपका। अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, जल्दी से फटाफट बोलो, टाइम भी हो रहा है भाई, 30 सेकंड्स कंप्लीट हो गए। चलो अब देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा की वैल्यू है 30°, रेडियस है आपके पास 4 cm, क्लियर। अब आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360
इंटू टू पाई आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है? नहीं। चलो थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 इंटू टू पाई आर, टू पाई की वैल्यू क्या होगी 22 अपॉन 7, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू 4। अब ये कट कर लो इसको, 4 9 जा 36, 90 हो गया, ये 3 टाइम्स कट हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिला 2 पाई बाय 3, तो L इक्वल 2 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये लो, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना मिलता है 2 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, छापो फटाक से। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए मैंने कहा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। चले आगे, हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्क ऑफ लेंथ 20 पी नहीं है, ये पाई करो इसको। एक आर्क की लेंथ है आपके पास 20 पाई सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। आपको यहाँ पर सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। आपको क्या कहा है कि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क अगर आपके पास 20 पाई है और एंगल बनने वाला 144 डिग्री है सर्कल के सेंटर से, तो आपको यहाँ पर सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहने वाला है आपके पास, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, जल्दी से बिल्कुल फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए। क्या आपका आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से? फटाफट से आप बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ए बी सी डी, फटाक से बोलो भाई, बोलो जल्दी से। नहीं आया समझ में, मैं बताऊं? चलो देखो, लेंथ ऑफ आर्क 20 पाई सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम? बोलो फटाक से। नहीं। एंगल मतलब कि थीटा 144 डिग्री, कोई प्रॉब्लम यहां आता है? नहीं। चलो रेडियस आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रेडियस। ओके क्लियर है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो, हमें पता है कि जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला तो ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू टू पाई आर, हाँ या ना? फटाफट से बोलो, यही होता है। अब आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 20 पाई, कितनी गिवन है बेटा 20 पाई इक्वल थीटा, थीटा की वैल्यू भी कितना गिवन है 144, कोई प्रॉब्लम? नहीं, तो पुट कर दो 144 यहाँ तक। ये लो 144 हो गया अपॉन 360 इंटू टू पाई आर, ठीक है क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से आप चाहो तो आप क्या करोगे, 20 पाई इंटू 360 अपॉन 144 इंटू, फटाफट से देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलता है 2 पाई, ठीक है क्लियर, इक्वल आर। इस पूरी कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहां से आपको सॉल्व करने पर रेडियस मिलेगी 25 सेंटीमीटर। चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, आपको रेडियस यही मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क जब 20 पाई से है और हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस होगी हमारी 25 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाक से बोलो, किसी भी तरह की नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से चले आगे, यहां तक क्लियर सब कुछ, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए स्क्वायर इज इन सब्सक्राइब्ड इन ए सर्कल द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर विल बी। मतलब यहां पर आपके पास ये पी नहीं है, पाई है, क्या है बेटा ये पाई है, ठीक है पाई है ये सारे ऑप्शन में। अब देखो यहां पर आपको बोला गया है कि आपके पास सर्कल का एरिया का रेशियो और स्क्वायर के एरिया का रेशियो
आपके पास क्या मिलने वाला है आपको ये बताना है, फटाफट से बताओ। अब अगर आपको यहां पर पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, फटाफट से बोलो जल्दी से, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर टू पाई ए स्क्वायर, क्लियर। अब आपको इतना सा काम करना है, अब इसका आपको रेडियस के लिए छोटा सा काम करना है, फटाफट से मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहां से मिल जाएगा, फटाक से आप देखोगे तो पाई रेशियो टू मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। फटाफट से बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से जल्दी से फटाफट से बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, जल्दी से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमें इसको रेडियस की फॉर्म में लिखना है, तो रेडियस की फॉर्म में हम इसको रूट टू आर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना भाई, अगर हम इसको टू आर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, टू आर डायामीटर के इक्वल, तो फाइनली ए स्क्वायर हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू आर, ठीक है, क्लियर है, तो स्क्वायर से तो आर कैंसिल हो जाएगा एक, तो बाहर आ जाएगा आर, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा ये, तो हम क्या कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास रूट टू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है, तो फाइनली यहां से आपको क्या मिलता है, फटाफट से देखते हो आप तो रूट पाई रूट आर, और यही आपके पास आंसर होगा आपका। फटाफट से बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो पाई बाई टू मिलेगा, सॉरी हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, तो फाइनली हम क्या देखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन टू मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास पाई रेशियो टू, और यही आपका आंसर होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से छाप लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। आपको दिया गया है यहाँ पर एक कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस, एक कार है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और ईच व्हील मेक्स 450 रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 450, तो आपको बताना है रेडियस ऑफ व्हील, आराम से बता सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा एक 1 किलोमीटर में कितने कवर करती है 450, ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो मतलब कि इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 450, क्लियर, कट कर देना, जो आपका आंसर आएगा उससे आपको रेडियस फाइंड हो जाएगी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना आप एरिया ऑफ सर्कल की, वहां से आप आर फाइंड कर लोगे, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज लेंथ ऑफ 5 पाई, पी नहीं है यहाँ पर, पाई है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर भी पाई है, एंड द बाउंडेड हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, क्या करना है सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो देखो सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फटाफट से ही बताओ भाई, आपको दिया है यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ कितना है 5 पाई, सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, सेक्टर बाउंडेड, एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो एरिया कितना किया अपन ने आपको 20 पाई, आपको क्या फाइंड करना है सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल यहां से पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया अपॉन सर्कमफेरेंस 2πr इनटू लेंथ ऑफ आर्क आर, ओके, अब आप इन सब में वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व करके मुझे ये बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से देखो एरिया की वैल्यू 20π है आपके पास, तो 20π पुट कर दोगे आप, ओके, क्लियर है, यहां से देखोगे आप कि आपके पास पाई आर से ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा, तो आपके पास अपना आंसर तो मिल ही गया है यहीं से, फटाफट से सॉल्व करके बताओ इस कैलकुलेशन को, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं भाई, ये हो गया आपके पास टोटल एरिया कितना है 20π, तो ये लो 20π, पाई आर स्क्वायर
येलो पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर येलो टू पाई आर, एल कितना है 5 पाई, तो येलो 5 पाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 40 पाई अपॉन 5 पाई इक्वल आर। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, 5 8 40, तो आर इक्वल कितना मिला 8 सेंटीमीटर। और यही आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम हुई फटाक से बोलो, नहीं हुई छाप लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 35 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करो। चले आगे, चलो आपको यहां पर दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री, अगर आपके पास यहां पर एंगल कितना है पी डिग्री का है ऑफ ए सर्कल, तो विथ रेडियस, तो सर्कल की रेडियस क्या रहने वाली है। देखो बिल्कुल ध्यान से, इजीली और अच्छे से समझना, ठीक है, क्या मैं बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से देखना। आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है। बात किसकी की गई है, सेक्टर की, मतलब कि ये सेक्टर यहाँ पर बन रहा है आपके पास P डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल P डिग्री का एंगल, और इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है, ये हो गई कैपिटल R, ओके। तो अब आपको ये बताना है यहाँ पर आपके पास इसका आंसर क्या रहने वाला है, मतलब कि सर्कल की रेडियस क्या मिलने वाली है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। नहीं आया समझ में भाई, आपको कहा गया है कि ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर अगर ओ है, और यहाँ पर अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जाती है, और थीटा एंगल की जगह अगर यहाँ पर पी एंगल बनता है, और ये रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो हमें रेडियस की फॉर्म में यहाँ पर इसका एरिया क्या मिलेगा, क्या पी अपॉन 270 इंटू 2 पाई आर होगा, या पी अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर होगा, या पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होगा, या फिर पी अपॉन 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शन चारों आपके सामने, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं किसी भी तरह की। देखो मैं बता देता हूं आपको, हम अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर किसके लिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये लेंथ ऑफ आर के ए बी, और ये ओ है, यहाँ पर अगर थीटा एंगल बनता है, तो फाइनली हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, यही करते हो या नहीं करते हो, जल्दी से बताओ, यही करते हो। अब आपके पास यहाँ पर एंगल थीटा ना बन के क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो देखो पी बन रहा है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन, अब आप कहोगे सर 360 आना चाहिए, नहीं मैं लिखूंगा 720, क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी रीजन। देखो 2 से अगर आप इसको कट करोगे तो 360 टाइम कट होगा, तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपको ये दोनों फॉर्म क्या सेम मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये थीटा की कंडीशन में है और ये पी की कंडीशन में, दोनों में कुछ चेंजेस है क्या, नहीं है, तो ये जो 2 पाई आर और ये 72 डिग्री है ना, ये इसीलिए क्योंकि 2 से हम 72 ये 720 को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जब हम 720 को कट करेंगे तो 360 डिग्री मिलेगा, और हमें पता है कि सेक्टर के फॉर्म में हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री ही होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 360 मिल रहा है, यहाँ पर भी 360 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ये क्यों नहीं हो सकता, देखो आप यहाँ पर इसको कट करोगे, तो देखो इसको कट किया तो 2 1 2, ठीक है, 2 3 6, 2 5 135 आएगा, इसको कट करोगे तो 90 आएगा, ठीक है, इसको कट करोगे तो 180 आएगा, जबकि आपको अपॉन में क्या चाहिए, 360 चाहिए, 360 कहाँ से मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से मिल रहा है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, जब हमारे पास P अपॉन 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, क्योंकि 2 से 720 कट हो जाएगा 360 डिग्री, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो अब फटाफट। चले आगे, चलो इसको देखो, इन द गिवन इफ एबीसीडी स्क्वायर, एक आपको नजर आ रहा है ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था, एबीसीडी आपके पास एक स्क्वायर है, देन देयर एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, आपको इस शेडेड एरिया फाइंड करना है, मतलब कि यहां पर आपके पास
ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है आपको, इसका एरिया फाइंड करना है। ये रेड रेड जो नजर आ रहा है ना, आपको इस एरिया का पार्ट फाइंड करना है, सॉरी इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो देखो इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फटाफट से बताओ। सबसे पहले आपको यहां पर नजर आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करोगे। फिर आपको नजर आ रहा है यहां पर, फटाफट से बताओ क्या नजर आ रहा है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया फाइंड करोगे, है ना, यही करोगे, फटाफट से बोलो। अरे भाई यही तो करोगे ना, क्योंकि 2 सेमी सर्कल बन रहे ना यहाँ पर आपके पास, यही तो करोगे, बस इतना सा काम करना है, सॉल्व कर देना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट से बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 196। एरिया ऑफ सर्कल फटाफट से बोल दो आप जल्दी से, पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में रख के, फटाफट जल्दी से बता दो बेटा क्या आंसर आएगा भाई। यहां से आपके पास एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 196, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां पर एक 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14, क्लियर, ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो यहां से कितना हो जाएगा, 28 × 22, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो आपके पास मिलेगा कुछ और। अगर हम यहां से देखते हैं, हमारे पास 2 सेमी सर्कल मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 2 सेमी सर्कल, तो यहां पर ये भी कट हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है, तो 7 × 14, 14 × 28 का 8 गिरी गया 2, 14 × 28 और 2 120, तो फाइनली आपको अपना आंसर मिल गया। देखो क्या करना है आपको, फटाफट से अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर लोगे ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो कर लोगे ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अब थोड़े में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, जल्दी से सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका, फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। आपके पास यहाँ पर पॉइंट ए बी सी डी नजर आ रहे हैं, ठीक है, आर फोर सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ईच हैव ए रेडियस ऑफ लेंथ 1 यूनिट, और इनकी जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है, 1 यूनिट है। जब आपके पास इनकी रेडियस 1 यूनिट है और पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड डायग्राम, मतलब कि आपको इस शेडेड डायग्राम के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी की क्या रहने वाली है। देखो आर कितना है आपके पास, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, ठीक है, क्लियर है, 1 यूनिट मान लेते हैं। अब 1 यूनिट अगर हमें यहां पर आर गिवन है इसका रेडियस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × साइड, 4 × साइड मतलब कि 4 ही मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको मिलेगा यहां से 4 − π, क्यों, क्योंकि हमने इसकी किस फॉर्म में लिख रहे हैं, हम इसको पाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो फाइनली हमें यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 − π/4 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 1 − ये तो कैंसिल हो गया 1 टाइम, 4 / 4 − π/4 लिखोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, −π/4, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 − π/4। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पर आपको बीडी का लेंथ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है आपके पास, यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया आप, सॉरी इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर अगर आपके पास ओ है और ए बी सी डी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ए बी सी डी अगर उनके पॉइंट के इंटरसेक्शन है, मतलब कि ये रेडियस दे दी गई है, तो आप बी डी फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको याद हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसे हमने पाई आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर की फॉर्म में लिखा था, क्लियर है ना, तो यहाँ पर सॉल्व कर लोगे अब आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट हमें यहाँ पर इस हेक्सागन का क्या करना है, इस हेक्सागन के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले साइड फाइंड करना है। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा, जल्दी से मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से फटाफट ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। ओके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को सभी को,
तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जो सॉल्व किए अच्छे से समझ में आए। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो फटाफट से बिना देर किए जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, जो होमवर्क दिए हैं उन क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये हमारा था चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।